तो भाई जब भी आप पेज या प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक समस्या देखने को मिलती है जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जहां पर आप मोनेटाइजेशन में अगर जाते हैं और कोई किसी भी टूल में जाते हैं स्टार इनस्ट्रीम ऐड या सब्सक्रिप्शन में, तो वहां पर आपको दो ऑप्शन जो स्टार्टिंग के दिखते हैं, जो एलिजिबल कंट्री एंड नीचे की साइड होता है जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दोनों पे कई बार टिक लगा होता है ब्लू, और कई बार क्या होता है जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है उसमें क्रॉस लगा होता है। सो दोस्तों आपके पेज में ये तभी आ जाती है जब आप अपने पेज को क्रिएट करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि आती क्यों है, तो ये आज की इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और उसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ और सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये समस्या जो होती है ये आती है जो कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं। सही, कई बार क्या होता है कि जब ओरिजिनल पेज पर भी काम करते हैं तो तब भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो जाती है। अगर आपका ओरिजिनल वीडियो होता है तब भी आपके अकाउंट में आ सकती है, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं तब भी आपके अकाउंट में आती है, और ओरिजिनल करते हैं तब भी, लेकिन इसको हटा कैसे सकते हैं आज की वीडियो में जानेंगे पूरे तरीके से। तो यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पर टिप्स ऑफ राजू के नाम से एक पेज है फेसबुक पे, और यहाँ पर जब हम जाते हैं यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है मोनेटाइजेशन वाले टूल में, और यहाँ पर आने के बाद स्टार लाइव एड इनमें किसी में भी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इन स्ट्रीम में चला जाता हूँ और जब ऊपर की साइड यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ पर एलिजिबल कंट्री तो यहाँ पर है ब्लू ग्रीन टिक लगा हुआ है, और नीचे की साइड है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर ये टिक लगा हुआ नहीं है, तो यू दोस्तों क्या कारण है कि उसके बाद में अगर आपको दिखाता हूँ जो सब्सक्रिप्शन है उसमें दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर दोनों टिक है ही नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा इसको। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ओरिजिनल वीडियोस अपनी अपलोड करता हूँ, आपने रील्स भी यहाँ पर देखी होंगी, वीडियो भी है मेरी यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरी वीडियोस हैं, ये सभी ओरिजिनल वीडियो हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती की है कि यहाँ पर मैंने कभी भी लाइव नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर लाइव करता तो शायद हमारे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर रील में चला जाता हूँ तो रील में भी आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल वीडियो हैं सभी पर, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हटा नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो पेज मेरे पहले था तो उसमें ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अब मैं यहाँ पर जाके उसको पेज को यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे इस पेज को लॉगिन करता हूँ और उसके बाद डैशबोर्ड में चल जाता हूँ, डैशबोर्ड आ गया, उसके बाद नीचे साइड आएगा मोनेटाइजेशन, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे कोई सा ऑप्शन क्लिक करके। अब यहाँ पर आप से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अब यहाँ पर ये ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो दोस्तों इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अगर आप अपने कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं या ओरिजिनल वर्क करते हैं और तब भी आपके अकाउंट में ये शो हो रही है, तो इसका एक ही फंदा होता है कि आप यहाँ पर जितनी भी आपकी कॉपी पेस्ट वीडियो हैं तो आप सभी को उनको डिलीट करना होगा। जैसे अगर आपके अकाउंट में कोई से भी वॉयलेशन आ जाता है तब आप उसको रिमूव करवाने के लिए वहाँ पर उसको रिमूव करते हैं वीडियोस को, उसी तरह आपको इसको भी रिमूव करवाने के लिए आपको अपने वीडियोस को रील्स को फोटोज़ को जो आपने यहाँ पर डाली हैं अपलोड की हैं तो आपको उनको यहाँ पर डिलीट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन में चला जाता हूँ और यहाँ पर चल जाता हूँ मोनेटाइजेशन वाले टूल में, अब यहाँ पर आ रहा है कि नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस, मतलब यहाँ पर भी मैंने कोई वॉयलेशन नहीं किया है फिर भी लेकिन अकाउंट में ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है। तो जितना भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं तो आपको करना ये होगा, साथ के साथ आपको अपनी लाइव वीडियो यहाँ पर दिखानी होगी। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं या फिर आप लाइव जैसे यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हैं, वो गेम जो पीसी गेम होगी जैसे, या फिर मोबाइल गेम होगी एंड्रॉयड गेम, कोई भी आप यहाँ पर गेम ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, या फिर आप किसी जगह पर घूमने गए हैं या फिर अपना खुद का जैसे ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, ऐसा भी आप यहाँ पर बना के अपने इस कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हटा सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर 2024 के अंदर भी इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं कि अगर आप ओरिजिनल वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो तब भी आपके अकाउंट से ये हटेगा नहीं, वहाँ पर आपको एक प्रूफ देना होगा कि आपको इसको हटाना है तो आप अपने वीडियोस को यहाँ पर शो करो, क्योंकि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप ओरिजिनल ओनर हो। अगर उनको पता लगेगा कि आप ओरिजिनल ओनर हो तब आपके अकाउंट से ये फटाफट से हट जाएगी, लेकिन एक दिन में ये काम नहीं बनता दोस्तों, ये होता है काम 7 से 8 दिन का, कई बार यहाँ पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं अगर आप यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करते हैं, तब भी आपके अकाउंट से ये हट सकता है जब आप एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये करना ही होगा कि जो भी आपकी कॉपी पेस्ट वीडियो हैं रील हैं पोस्ट हैं तो सभी को आपको डिलीट करके अपने पेज को या प्रोफाइल को ऐसे ही छोड़ देना है, कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी काम नहीं करना है।
कोई भी अपलोडिंग नहीं करनी है वहाँ पर। हाँ, अगर आप वहाँ पर उसको हटाना चाहते हैं 7 डेज के अंदर, तो आपको वहाँ पर लाइव करने होंगे 2 से 4 दिन तक लगातार कुछ कर सकते हैं आप, और कुछ दिनों बाद आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट से 100% यही है प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और आपका ग्रीन टिक यहाँ पर वापस आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं 7 डेज के अंदर ही और आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है बार बार फिर भी, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके पास एक तरीका है इसको हटाने का। आपको चले जाना है यहाँ पर ऊपर की साइड और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्रिएटर सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इशू कैटेगरीज आ जाएंगी और यहाँ पर आपका इशू है, अगर मोनेटाइजेशन का है, स्पेस ऐप का है, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो हमारा है मोनेटाइजेशन वाला, यहाँ पर हम मोनेटाइजेशन पर क्लिक करते हैं और ऊपर फिर हमारे सामने मोनेटाइजेशन के जितने भी इशू हैं सभी यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं लाइव में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड ऑन रील स्टार एलिजिबिलिटी सभी यहाँ पर आ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन एलिजिबिलिटी, रील्स प्ले बोनस, और जो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है उसे है चेक यूर पेज एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर ऊपर की साइड आप क्लिक करें चेक एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो वापस आपसे फिर से यहाँ मोनेटाइजेशन वाले टूल में आएंगे और फिर से यहाँ पर आपको ये शो होगा। अब यहाँ पर फिर से बैक करते हैं और यहाँ पर आपको नीचे साइड जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाउ टू सबमिट एन अपील, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर मैं यहाँ पर गोल गोल सा बिंदी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आपको हाउ टू सबमिट एन अपील पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपने पेज ये प्रोफाइल का लिंक कॉपी करना है और उसी के साथ आपको यहाँ पर अपनी वीडियोस का लिंक कॉपी करना है। अगर आपने लाइव किया है तो आप उसका वहाँ पर लिंक कॉपी कर सकते हैं। अब नीचे की साइड आना है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट वैसे आप यहाँ पर इनको रिमूव कर सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा हाउ टू अपील कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी टू डेस्कटॉप इंडिविजुअल वीडियो ऑन रील, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा दिस फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो आएगी और यहाँ पर आएंगे दो ऑप्शन, मोनेटाइजेशन अपील टाइप एंड पार्टनर कंटेंट, दो ऑप्शन आएंगे। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है तो कंटेंट, 2024 के अंदर ये बदलाव हुए हैं तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं जिससे यहाँ अगर आपको इशू भी आ जाता है तो इनको रिमूव कराने के लिए आपको मेटा से संपर्क करना होगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि क्रिएटर सपोर्ट मेटा का होता है, उन्होंने दे रखा है आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आप वहाँ पर भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई थोड़ी सी धीरे होती है, यहाँ आपकी जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करके आपको पेज का यूआरएल डालना है या प्रोफाइल का, और नीचे साइड दिखाई देगा वीडियो यूआरएल और वीडियो का लिंक डालना है आपको, अपना लाइव या फिर रील आपने जो अपनी ओरिजिनल वीडियो यहाँ पर अपलोड की है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है और विद इन आपके 7 डेज या 20 डेज के अंदर, मतलब यहाँ अगर आपका महीना लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अकाउंट से हट जाती है तो बहुत ही खुशी की बात हो जाती है। वीडियो में इतना ही, वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।